हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ एन ऑर्डर को सॉल्व करने के लिए क्या मेथड यूज करते हैं उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेट होती है वो पहचानना जरूरी है, और उससे भी इम्पोर्टेंट, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आप सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट कौन सा वेरिएबल है, ये भी जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे डेरिवेटिव टर्म से ही आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को जान सकते हैं। जिस वेरिएबल का डेरिवेटिव है, जैसे यहां पर डी एन वाई और डीएक्स एन, वाई का डेरिवेटिव क्या है आपका विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पर वाई डिपेंडेंट हुआ और वाई डिपेंडेंट हुआ और ये आपका एक्स इंडिपेंडेंट, ये वाई डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट और एक्स इंडिपेंडेंट बनेगा। तो इस इक्वेशन में आगे बढ़ने से पहले ये देखते हैं, ये एन ऑर्डर की टर्म है, एन माइनस वन ऑर्डर की टर्म है, प्लस ऑन ऑर्डर घटता रहेगा, ऐसे ही इसका कोफिशेंट, ये कॉन्स्टेंट है सब, ए एन माइनस वन ये भी बदलते रहेंगे, प्लस ए जीरो वाई तक जाएंगे, इक्वल टू एफ एक्स। राइट हैंड साइड में केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन ही रहेगा, ये इसका। अगर कोई टर्म डिपेंडेंट वेरिएबल की राइट हैंड साइड में है तो उसको हम लेफ्ट साइड में ला करके तभी इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। मैंने लिख दिया है कि जहां ये डेरिवेटिव के कोफिशिएंट है ये कॉन्स्टेंट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एल डी विद कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट। एल डी का मतलब होता है, लीनियर का मतलब होता है कि उसकी डिग्री वन है, वन से आगे नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन दो पार्ट में होता है, पहले हम जो एफएक्स का राइट हैंड साइड में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एफएक्स है इसको जीरो लेट करके जो सॉल्यूशन आएगा उसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो सॉल्यूशन आएगा उसको पर्टिकुलर इंटीग्रल एफएक्स कोरस्पॉन्डिंग। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जानते हैं कैसे फाइंड आउट होता है। जैसा मैं अभी बताया, एफएक्स को जीरो लेट कर लें आप, तो जो भी राइट लेफ्ट हैंड साइड में वाई के डेरिवेटिव और वाई का टर्म है उसको आप रखें, राइट हैंड साइड को जीरो कर लें, तो आपकी कुछ ये लेफ्ट हैंड साइड इस तरह से बन जाएगी, ए एन डी एन, डी एन स्टैंड फॉर डी एन बाय डी एक्स एन मीन्स एन ए डेरिवेटिव, वाई यहां पर आ गया सबके लिए, तो इस तरह से बन जाएगी। आगे क्या करेंगे हम, डी को एक नंबर से, क्योंकि यहां डी एक ऑपरेटर है तो डी को एक नंबर से हम रिप्लेस करेंगे, क्योंकि इक्वेशन बनेगी तो उसका हमें रूट भी निकालना है। तो ये लिखा है मैंने d रिप्लेस बाय m, वी गेट द इक्वेशन इन m, उसको आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलेंगे, जो भी इक्वेशन इन m आएगी, देन वी सॉल्व द इक्वेशन फॉर m, m के लिए सॉल्व करेंगे। अब वो डिपेंड करता है कि जो इक्वेशन इन m बनी है m के कैसे रूट आए हैं, तो इसमें आपके आज हमने दो केस डिस्कस किए यहां पर। इफ रूट ऑफ a आर रियल एंड डिफरेंट, यानी कि डिस्टिंक्ट है, तो तब आप डिस्टिंक्ट है तब क्या होगा, तो सारे डिफरेंट हैं, कोई भी इक्वल नहीं है और रियल है, तो उसके लिए जितने भी आपके रूट आए हैं एन ऑर्डर की है तो एन ही रूट आएंगे उसके, आप ये भी जान लें, और उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में उतने ही आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट आएंगे, सी वन सी टू सी एन जो है सारे आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, सी वन सी टू अप टू सी एन ये सब आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, ये सब आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, आर्बिट्रेरी, ये उतने ही होने चाहिए नंबर में आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट जितना उसका ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आप सॉल्व करने जा रहे हैं, उतने ही रूट आएंगे। तो सी वन और ई की पावर में एम वन ये पहला रूट इंटू एक्स, प्लस दूसरे रूट के लिए सी टू ई टू ई टू दी पावर एम टू एक्स, इसी तरह तीसरे रूट के लिए और एन रूट के लिए ऐसे ही प्रोसीड करोगे। अगर रूट दूसरा केस रूट अगर इक्वल है एंड रियल है, मान लीजिए एम वन इक्वल टू एम टू आ गया, बाकी सब डिफरेंट है, तो इक्वल रूट के लिए सी वन प्लस सी टू एक्स ही टर्म आ जाएगी, ई की पावर एम वन में एम वन एम टू इक्वल है तो चाहे एम वन लिख लें या चाहे एम टू कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस जो डिफरेंट रूट हैं उनके लिए वही प्रोसीजर जो फर्स्ट स्टेप में था वही कर दें, ये ऐड कर दें। तो देखते हैं एक क्वेश्चन से कि ये जो हमने अभी तक डिस्कस किया है इसको कैसे सॉल्यूशन या डिस्कस में प्रैक्टिकली प्रॉब्लम में एग्जीक्यूट करते हैं।
एक प्रॉब्लम मैंने डिस्कस की है उसको देखते हैं। तो प्रॉब्लम ये है डी टू वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री डी वाई बाई एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो। अब इसमें सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली, डिग्री वन है तो लिए एल डी हुई। बस आप ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए डी को रिप्लेस कर दीजिए एम से, तो ये बन जाएगी एम स्क्वायर प्लस थ्री एम, और प्लस यहां को डेरिवेटिव टर्म नहीं है तो एम नहीं आएगा। डेरिवेटिव जितने ऑर्डर का भी है उतने ही पावर ऑफ एम कर दीजिए आप, तो एम स्क्वायर प्लस थ्री एम प्लस टू इक्वल टू जीरो, इसके फैक्टर कर लीजिए हो जाएंगे एम प्लस टू एम प्लस वन इक्वल टू जीरो, रूट आ जाएंगे एम इक्वल टू माइनस वन माइनस टू। नोट कीजिए यहां पर माइनस वन माइनस टू दोनों रियल एंड डिफरेंट है, देयर फॉर कोरस्पॉन्डिंग सी एफ ऑफ वन इज गिवन बाय वाई इक्वल टू सी वन ई की पावर पहला रूट इंटू एक्स, और इसी तरह से सी टू इंटू पावर दूसरा रूट माइनस टू इंटू एक्स, तो आपका सी एफ हो जाएगा वाई इज इक्वल टू सी वन ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी टू इंटू दावर माइनस टू एक्स। पी आई जीरो होगा बिकॉज राइट हैंड साइड ऑलरेडी जीरो है इसमें, तो कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा आपका। इट स्टैंड फॉर सी एस स्टैंड फॉर कंप्लीट सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन सोल्यूशन, ये कंप्लीट सोल्यूशन। तो कंप्लीट सोल्यूशन के लिए y की वैल्यू जो आएगी वो सी एफ प्लस पी आई को एड करके आएगी, पी आई इसमें जीरो है, देयरफॉर सी एफ की वैल्यू ही इसका कंप्लीट सोल्यूशन बन जाएगा सी वन ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर माइनस टू एक्स। तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन है, ये प्रोसीजर बड़ा इजी है, बस एक बार आपको जानना है कि ये एल डी विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट है तो सी एफ और पी आई में इसके आंसर आएंगे। पी आई तो तभी स्टैंड करेगा जब आपका राइट हैंड साइड में कोई एक्स का फंक्शन होगा, अगर वो जीरो है तो पी आई जीरो हो जाएगा, केवल सी एफ ही उसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम दो केस और हैं जब रूट आपके इमेजिनरी हो और इरेशनल हो, उसमें थोड़ा और चेंज आएगा कोरस्पॉन्डिंग सी एफ में, उसके लिए हम आगे वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।